हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कोरोना महामारी में बच्चों के लिए एक संदेश के दौरान मैंने कल आपको एक वीडियो भेजा था, दूसरा वीडियो भेज रहा हूँ, बहुत छोटा सा है कि कहते हैं कि किसी के पैरों में गिर कर कामयाबी पाने से क्या लिख सकते हैं, किसी के पैरों में गिर कर कामयाबी पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर चलकर हासिल करो। ठीक है ना, अर्थात किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है, किसी के पैरों में गिड़गिड़ाने से कि भैया मुझे जॉब दे दो, मुझे सक्सेस करवा दो, मुझे सफल बना दो, तो पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है कि अपने पैरों पर चलकर हासिल कर लो उसे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि एग्जाम आपका है, ठीक है ना, एग्जाम आपका है, आपको ही देना है, यानी परीक्षा आपकी है, पढ़ाई आप कर रहे हैं, ट्वेल्थ क्लास में आप हैं, आपको ही पढ़ना है, आपका एग्जाम है, आपको ही एग्जाम देना है, आपको ही पढ़ना है, आपको ही तैयार करना है और आपका ही परिणाम आएगा, किसी दूसरे का नहीं आएगा। लोग तो बस ताली और गाली दोनों के लिए तैयार रहते हैं, अगर सफल हो गए तो तालियां मिलेंगी और असफल हो गए तो गालियां, यानी आपका मजाक बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो आप मजाक बनने इसका इंतजार क्यों कर रहे हैं, आप ऑलरेडी तैयार कर सकते हैं, आप घर बैठे तैयार कर सकते हैं, आप मेहनत पर लगे रहिए, डटे रहिए, आपका एग्जाम अच्छे से अच्छा होगा, परिणाम अच्छे से अच्छा होगा। कहते हैं कि कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव हासिल होगा, लक्ष्य हासिल हो जाएगा या अनुभव हासिल होगा। मेरे अनुसार ऐसा नहीं है, कोशिश आखिरी सांस तक तो करना चाहिए लेकिन सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। आपको लक्ष्य प्राप्त करना है, मतलब करना है, मतलब करना है, आपको पीछे नहीं हटना है, ये अनुभव नहीं, यहाँ पर सिर्फ मुझे टारगेट चाहिए, टारगेट लक्ष्य, अरे कोशिश आखिरी सांस तक करो, सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति के लिए करो, मतलब लक्ष्य अंत में मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, अर्थात लक्ष्य पाना है तो बस पाना है, टारगेट आपका होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, मुझे एग्जाम में ट्वेल्थ में 90%+ नंबर लाने हैं तो लाने हैं, तो लाने हैं हर हालत में, ये चाणक्य ने कहा था। चाणक्य प्रसिद्ध विद्वान थे, आप जानते होंगे, आपने सुना होगा, नहीं सुना तो आप सर्च करके पढ़ सकते हैं चाणक्य नीति, वहां से कहा गया चाणक्य में, चाणक्य ने क्या कहा था कि आपको तब तक, ठीक है ना, अगर कोई चीज पानी है तो बस पानी है, हासिल करना है तो सिर्फ हासिल करना है, साम दाम दंड भेद उसने बनाए थे चाणक्य ने लोगों को। जब उसका राजपाट छीन गया तो उसने समझाना चालू किया, नहीं जाने जो लोग, तो उनको दाम यानी रिश्वत देकर खरीद लिया, दंड दंड यानी कि जो नहीं माने इसके बाद भी तूने दंड देकर भेद आपस में लड़ाकर, लेकिन मुझे टारगेट को पाना है तो पाना है, लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए और उसे पाना है तो सिर्फ पाना है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।